हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे एक खूबसूरत और यूनिक पैटर्न जो चार के मल्टीपल फंदों का है और ये डिज़ाइन 8 लाइन में कंप्लीट होगा। तो इन्हीं 8 लाइनों को हम बार बार रिपीट करेंगे जिससे ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। डिज़ाइन बेहद खूबसूरत है तो इसे आप ध्यान से देखिएगा और आप इसे किसी भी जेंट्स प्रोजेक्ट में, लेडीज़ प्रोजेक्ट में या बच्चों के प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। डिज़ाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो और डिज़ाइन अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तथा फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। डिज़ाइन ध्यान से देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत और यूनिक पैटर्न है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 16 फंदे डाल रखे हैं। डिज़ाइन सामने की तरफ से स्टार्ट होगा, तो यदि आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो आप रॉन्ग साइड से फंदे बढ़ा सकते हैं। तो ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और सामने से पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे या सीधा बुन लेंगे। अब दो फंदों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बनाएंगे। अब दो फंदों में से दूसरे फंदे को हम किनारे कर लेंगे और पहले फंदे में एक और सीधा फंदा। तो दो फंदों से हमने दो फंदे बना लिए, अब इसे हम गिरा देंगे। अब नेक्स्ट दो फंदे लेंगे और एक बार सीधा फंदा बनाएंगे, फिर एक फंदा किनारे करके दूसरे वाले फंदे में एक और सीधा फंदा। तो दो से हमने दो फंदे बना लिए। नेक्स्ट दो फंदे लेंगे, सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदे को साइड में करके आगे वाले फंदे में एक और सीधा फंदा बना लेंगे। इन्हीं दो फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। दो फंदे से हमें दो फंदे बनाने हैं। पहले दोनों को एक साथ लेके एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर दूसरे वाले फंदे को किनारे करके पहले वाले फंदे में एक और सीधा फंदा। तो दो से दो फंदे हो गए। दो फंदा लिया, एक सीधा फंदा बनाया, फिर दूसरे वाले फंदे को ऐसे साइड में करके पहले वाले फंदे में एक बार और सीधा फंदा बना लेंगे। दो फंदे को एक साथ लिया, एक सीधा फंदा बनाया, फिर दूसरे फंदे को साइड में करके पहले वाले फंदे में एक और सीधा फंदा। लास्ट में एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुनेंगे। तो इस तरह हमारा पहला लाइन कंप्लीट होता है। रॉन्ग साइड से हमें सभी फंदों को उल्टा बुनना है। हर रॉन्ग साइड में हमें सभी फंदों को उल्टा ही बुनना है। डिज़ाइन सिर्फ सामने की तरफ से डलेगा। तीसरी लाइन और सामने से। अब देखिए, दो फंदों को हम एक साथ लेंगे। इस लाइन में हम कोई फंदा हम स्लिप नहीं करेंगे, बल्कि पहले और दूसरे दोनों फंदों को एक साथ लेंगे और दोनों से हम दो फंदा बना लेंगे। सीधा बुना, फिर दूसरे वाले फंदे को साइड में करके पहले वाले फंदे में एक और सीधा। ये डिज़ाइन आपको दिखाई दे रहा है, इसको और इसके पहले वाले फंदे को हमें एक साथ लेना है। दो फंदों को एक साथ लिया, एक सीधा फंदा बनाया, फिर पहले वाले दूसरे वाले फंदे को साइड में करके पहले वाले फंदे में एक और सीधा। देखिए, ये डिज़ाइन ऐसे ऊपर से आ रहा है, इसको और इसके पहले वाले फंदे को हम एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे, फिर दूसरे वाले फंदे को साइड में करके पहले वाले फंदे से एक और सीधा फंदा। तो दो से हमने दो फंदे बना लिए। अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये वाला फंदा ऊपर से ऐसे जा रहा है, तो इसको लेंगे और इसके पहले वाले फंदे को, दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर दूसरे वाले फंदे को साइड में करके पहले वाले फंदे से एक और सीधा फंदा। इसी तरह दो दो फंदे हम एक साथ लेते जाएंगे और उनसे दो दो फंदे बनाते जाएंगे। तो इस तरह हमारा तीसरा लाइन कंप्लीट होता है। रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बुनेंगे। पाँचवीं लाइन और सामने से। पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, तीसरे फंदे को, दूसरे फंदे को छोड़ के पहले तीसरे वाले फंदे में ऐसे बैक साइड से हम एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर दूसरे वाले फंदे को सीधा कर लेंगे और फिर इसमें एक सीधा फंदा बनाएंगे।
ध्यान दीजिएगा, ये जो मेन लाइन ये आ रहा है, अब कि ये नीचे जाएगा और इसके पहले वाला फंदा ऊपर जाएगा। तो इसके लिए पहले इस फंदे को हम बैक साइड से सीधा बुन लेंगे, फिर इसके पहले वाले फंदे को ऐसे सीधा करेंगे और फिर इसे हम सीधा बुन लेंगे। फिर से ध्यान दीजिए, ये देखिए ये जो लाइन ऊपर से आ रही है ये अब की नीचे रहेगा और इसके नीचे वाला फंदा ये ऊपर रहेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस वाले दूसरे फंदे को ऐसे बैक साइड से हम सीधा बुनेंगे, फिर इस वाले फंदे को सीधा करेंगे और इसे हम सीधा बुनेंगे। ये डिज़ाइन अब बाईं तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। पहले दूसरे वाले फंदे को बैक साइड से सीधा बुनेंगे, फिर पहले फंदे को सीधा करेंगे, से घुमाएंगे और फिर इसे हम सीधा बुनेंगे, या फिर इसे हम ऐसे ट्विस्ट कर लेंगे, इस फंदे को सीधा कर लेंगे और ये देखिए ऐसे हो गया। तो पहले दूसरे वाले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे और अब पहले वाले फंदे को सीधा, लास्ट फंदा है जो स्टिच है इसे हम सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। अब ये डिज़ाइन का सातवां लाइन है और सामने से दूसरे फंदे को हम पहले और दूसरे फंदे को ऐसे हम ट्विस्ट कर लेंगे, दूसरे फंदे को ऐसे बैक साइड से पहले बुनेंगे, अब इस फंदे को सीधा करेंगे और इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब या तो इसे बैक साइड से पहले हम सीधा बुन लेंगे, दूसरे फंदे को बैक साइड से सीधा बुन लेंगे, फिर पहले फंदे को ऐसे सीधा करेंगे और इसे हम सीधा बुनेंगे, या फिर इन दोनों फंदों को आपस में ट्विस्ट कर लेंगे, पहले पीछे वाले फंदे को दूसरे फंदे को हम बैक साइड से सीधा बुनेंगे, अब पहले फंदे को हम से सामने की तरफ से सीधा। देखिए इस तरह ये बाईं तरफ जाएगा, दोनों फंदों को हम आपस में ऐसे ट्विस्ट कर लेंगे, पहले दूसरे वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे, फिर पहले फंदे को ऐसे सीधा करेंगे और इसे हम सीधा बुनेंगे। ऐसे ये सामने की तरफ आना चाहिए। तो ये हमारा सातवां लाइन कंप्लीट होता है, रॉन्ग साइड से हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो रॉन्ग साइड से हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। एक बार फिर से देख लीजिए, पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे। अब देखिए ये डिज़ाइन ऐसे गया है, तो इस फंदे को ना बुनकर इसके पहले वाले फंदे को हम लेंगे, यानी इन दोनों फंदों को हम एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर दूसरे फंदे को किनारे करके पहले वाले फंदे में एक और सीधा। अब ध्यान दीजिए, ये जो तिरछी लाइन गई है, तो तिरछी लाइन वाला फंदा पहला होगा और उसके बाद वाला फंदा दूसरा होगा, और हम सिलाई ऐसे दूसरे से पहले की तरफ डालेंगे, ऐसे इस तरफ से हम सिलाई डालेंगे और दोनों को एक साथ लेके एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर दूसरे फंदे को किनारे करके पहले वाले फंदे में एक सीधा फंदा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये देखिए ये डिज़ाइन का लाइन गया है, तो ये हमारा पहला फंदा होगा और इसके बाद वाला दूसरा, और हम सिलाई दूसरे से पहले की तरफ ऐसे डालेंगे, दोनों को एक साथ लेके एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर दूसरे वाले फंदे को साइड करके पहले वाले फंदे में एक और सीधा फंदा बनाएंगे। अब देखिए ये जो मेन लाइन गया है, ये हमारा पहला फंदा होगा और इसके बाद वाला दूसरा फंदा, और हम सिलाई ऐसे दूसरे से पहले की तरफ डालेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर दूसरे फंदे को साइड में कर पहले वाले फंदे से एक और सीधा फंदा। इसी तरह दो दो फंदे हम एक साथ लेते जाएंगे और दो से दो फंदे बना लेंगे। लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। 11वां लाइन तीसरी लाइन की तरह होगा। अब देखिए, अब दो फंदों को एक साथ लेंगे, अब ये मेन फंदा है, इन दोनों फंदों को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर दूसरे वाले फंदे को किनारे करके पहले वाले फंदे में एक और सीधा। नेक्स्ट दो फंदों को लेंगे,
एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर दूसरे फंदे को साइड में करके पहले वाले फंदे में एक और सीधा करेंगे, यानी दो से हम दो दो फंदे बनाते जाएंगे। रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। 13वां लाइन 5वीं लाइन की तरह होगा। अब पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। अब इन दोनों फंदों को हम दूसरे और तीसरे फंदे को हम आपस में ट्विस्ट करेंगे और इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब देखें दो नेक्स्ट फंदे। अब जो ये मेन फंदा आया है ये नीचे की तरफ जाएगा, इसे ऐसे पीछे की तरफ से सिलाई डालेंगे और इन दोनों को आपस में ट्विस्ट करेंगे। मेन फंदा जो है वो नीचे की तरफ जाएगा और दोनों को हम सीधा बुनेंगे। फिर से देखिए ये जो मेन लाइन है डिजाइन, देखिए ये जा रहा है तो अब कि ये नीचे जाएगा और ये फंदा जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे इसे आपस में हम ट्विस्ट कर लेंगे। देखिए ऊपर की तरफ से जाएगा और पीछे वाला फंदा नीचे की तरफ से आगे आएगा, दोनों को हम सीधा बुनेंगे। पंद्रहवीं लाइन और सामने से देखिए पहले दूसरे फंदे को हम आपस में ट्विस्ट करेंगे, दूसरा वाला फंदा ऐसे नीचे की तरफ से जाएगा और पहला फंदा ऊपर की तरफ से जाएगा और दोनों फंदों को हम सीधा बुनेंगे। ये डिज़ाइन बाईं तरफ जा रहा है तो इसे हम ऊपर रखेंगे और पीछे वाले फंदे नीचे की तरफ से हम आगे लाएंगे, फिर दोनों फंदों को हम सीधा बुनेंगे। इस तरह एक खूबसूरत सा जिगजैग पैटर्न बनता चला जाएगा। इन्हीं 8 लाइनों को दोहराने से एक खूबसूरत सा जिगजैग पैटर्न बनता चला जाएगा। डिज़ाइन बेहद खूबसूरत है और आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thanks for watching.